हेलो फ्रेंड्स, आई एम माया उज्जालिया। वेलकम टू माय चैनल स्वाद वेदा। आज हम बनाएंगे दालगोना स्टाइल मैंगो फिरनी। ये एक कॉम्बिनेशन रेसिपी है और काफ़ी यूनिक भी है। शायद ये आप सबको बहुत पसंद आए, तो फिर आइए देखते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप चावल। इसे मैंने आधा घंटा पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। हमने इसे दरदरा पीस लिया है इस तरह से। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें आधा लीटर दूध डालेंगे। दूध को गर्म होने देंगे। जब दूध उबल जाएगा तब हम इसमें वो दरदरा पिसा हुआ राइस डालेंगे। दूध उबल गया है, अब हम इसमें जो हमने दरदरा पिसा हुआ राइस था उसको इसमें डालेंगे। गैस कम करेंगे और धीरे धीरे करके इसको एक मिलाएंगे। एक साथ नहीं डालना है और इसे इस तरह से चलाते रहें। अगर एक साथ डाला और चलाया भी नहीं तो इसमें लंप हो सकते हैं। और इसे कुछ देर तक इस तरह से ही चलाते रहें जब तक कि ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए। और इसे कम आंच पर ही पकाना है, लेकिन इसे चलाते रहें, इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके जो इस ये जो फिरनी, इसे फिरनी बोलते हैं, ये चिपक जाएगी और इसमें लंप भी बन जाएंगे। ये देखिए फिरनी थोड़ा गाढ़ी हो रही है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। यहाँ मैंने आधा कप शक्कर लिया है, आप शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फिरनी बनके तैयार हो गई है, अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। इसे लगातार चलाते रहना है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसे बनने में लगभग 15 से 20 मिनट लग गए हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसे ढककर रखेंगे जिससे कि इसके ऊपर मलाई नहीं आए। अगर हम दो ग्लास लेंगे और इनमें फिरनी डालेंगे। फिरनी को हमने ग्लास में इस तरह से डाल लिया है, इसे फुल नहीं भरना है। इसके ऊपर हम आम की लेयर बनाएंगे। अब हमने दो आम को छीलकर उसके टुकड़े कर लिए हैं। उसमें अब एक चम्मच शक्कर डालेंगे, शक्कर पाउडर, और एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, और इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आम की प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको जो फिरनी वाला ग्लास है इसमें डालेंगे। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अब हमने यहाँ पर तीन छोटे चम्मच मलाई ली है, फ्रेश मलाई। इसमें हम दो चम्मच शक्कर पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मलाई को जो हमने मैंगो की लेयर बनाई है इसके ऊपर डालेंगे। अब हम इसके ऊपर मैंगो के छोटे छोटे पीसेस की एक लेयर बनाएंगे और इसे पिस्ता से डेकोरेट करेंगे। अब आपकी डालगोना मैंगो फिरनी बनकर तैयार है। अब आप इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखकर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।